वो सात दिनों की है जिंदगानी, सेवक बन जानी बहुत ज्ञानी, सेवक बन जानी बहुत ज्ञानी, सात दिनों की तेरी है जिंदगानी, सेवक बन जा रही बहुत ज्ञानी। हे महादेव, हे महादेव, सात दिनों की तेरी है जिंदगानी, सेवक बन जा रही बहुत ज्ञानी, सेवक बन जा रही बहुत ज्ञानी, सो शिव हरि हो, सो हाथ जो शिव हरि हो, बोले सुनते हैं सबकी, बोले सुनते हैं सबकी खूबी दो, शिवालय न छो, 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 शिवालय न छो। इसलिए कभी अलग 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 देवी देवताओं के आपसे पूजा न हो सके, एक महादेव का पूजन करने से सभी देवी देवताओं की पूजा शिवलिंग के अंदर है। कभी आप ध्यान दीजिए, कोई वृक्ष को हरा रखने के लिए आप पत्ते पत्ते को पानी पिलाते हैं, नहीं, अब वृक्ष के मूल में जल सिंचन कर दो, मूल के द्वारा डाली के द्वारा हर पत्ते को पानी मिलेगा, एक एक पत्ते को पानी नहीं पिलाते हम मूल में, तो शिव कौन है, हमारा सबका मूल है। कर लिया अर्चन, हो गए सभी देवता तृप्त हो गए, हम दिल से कहते नित्य महादेव को जलाभिषेक करते हैं, नित्य महादेव का अर्चन पूजन दर्शन करते हैं, उसके पितृ तृप्त रहते हैं, उसके पितृ कभी भटकते नहीं, जो शिव से दूर होगा उसके जीवन में कुछ पीड़ा, कोई ग्रहों की पीड़ा होगी पता नहीं, और मैं नहीं कह रहा हूं, व्यास जी का प्रसाद है। शाखा पुष्यन्ति, शाखा पुष्यन्ति वृक्षस्य, वृक्षमूलस्य सेचनम्। मूल में जल अर्पण करो तो पूरी शाखा पल्वित, नव पल्वित रहेगी, वैसे ही तद्वदस्य वपुर्वीश्वर पुष्यन्ति च शिवा शिव का अर्चन करो, सब तृप्त हो गए। और बुरा लगे तो क्षमा, लेकिन कभी महादेव को जल चढ़ाने के लिए जल का लोटा भरकर आप जा रहे हैं और शिवालय पहुंच गए और शिवालय के पटांगण में कोई फूल छोड़ सूख रहा है, तो महादेव को अभिषेक करने का जल ये फूल छोड़ को अर्पण कर दीजिए, महादेव का अभिषेक हो जाएगा। और शिव ने स्वयं ने कहा, कोई जीव को तृप्त करने के लिए आप जो प्रेरित हैं तो ये मूरी मेरी पूजा है। कभी जा रहे हैं, कभी गांव में गए तो बहुत सारे गांव में पानी को, पक्षी को पानी पिलाने के लिए छोटा सा कुंडा लटकाते रहते हैं, कभी कभी इसमें पानी नहीं होता और आपके पास जल है तो महादेव को चढ़ाने का जल इस पक्षी के पानी के कुंडे में रख दीजिए, शिव की तृप्ति हो जाएगी। जड़ चेतन गगन अगन में आकाश प्रकाश में सभी जगह पर शिव ही शिव है, शिव के बिना तो कोई है ही नहीं। और एक बात हमने बहुत बार कहा और बार बार कहते रहते हैं, सभी विश्व के देवी देवताओं की पूजा ना कर सके तो पंच देवताओं की पूजा करें, पंचायत पूजन, और पांच देवताओं की पूजा करने का सामर्थ्य ना हो तो एक शिव की पूजा करें,
इसमें पंचायत देवता शिव में सब समाये हुए हैं। ऐसे मेरे पास कोई एक ऐसा देवता नहीं है कि एक की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाए। एक शिव ऐसे हैं, एक की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाए। अन्य कोई देवता संभव ही नहीं, सर्वथा कोई नहीं है, एक शिव है मेरे पास है। एकस्य ते अर्चना देव पंचायतन पूजन जायते अन्य सुरेचेव संभवे नहीं सर्वदा। कोई ऐसा देवता मेरे पास नहीं है जो एक का पूजन करो और सबका पूजन हो जाए। एक है मेरे पास जिनको हम शिव कहते हैं। तो प्रातकाल विधि करम, प्रातकाल तो हमारा कर्तव्य है, शिव का अर्चन दर्शन पूजन स्मरण करना, उसका ध्यान करना हमारा कर्तव्य है। जो नहीं करता वो प्रकृति का ऋणी रहता है। मध्याह्न एकामिकम, मध्याह्न जब शिव का ध्यान करते पूजन अर्चन कर दर्शन करते स्मरण करते हैं तो उसकी कामना की पूर्ति रहती है। और हम तो दिल से कहते हैं मध्याह्न में कोई महादेव का याद कर स्मरण करते पूजन अर्चन ध्यान करते शिव जी को याद करते उसका सूरज चमकता रहता है। रात के मध्याह्न 12 बजे को शिव जी का ध्यान करता याद करता भजन करता स्मरण करता पूजन करता है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं आएगा। तो शिव हमारे ज्योति है, शिव हमारे लिए प्रकाश है, सब कुछ है। और सायान है शांति का, संध्या समय शिव का अर्चन दर्शन पूजन करने से शांति देने वाला शिव है। ये भगवान व्यास ने गाया है। प्रातः विधि करो, प्रातः विधि करेंगे, हमारा कर्तव्य है। मध्याह्न कामिकं सायं शान्तिकं गेयम् रात्रं वपि तथैव च रात्रं वपि तथैव। रात्रि के अमुक मुख प्रहर में मुहूर्त में पूजन करने से अलग अलग लाभ है। ऐसी बहुत सारी बातें शिव प्राण ग्रंथ में कही है। लेकिन एवं ज्ञातवा नर कुर्वन, शिव प्राण ग्रंथ में कहा है ना ब्रह्मा जी ने नारद जी को ये पुष्प पूजा, ये धारा पूजा और ये धन पूजा, अनेक धन धान्यों से शिव की पूजा, धाराओं से शिव की पूजा, पुष्पों से शिव की पूजा। लेकिन इतना पाठ लेकर कभी लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने गाया है शिव पूजा के बारे में, ये पुष्प चढ़ाने से ये लाभ मिलेगा, ये पुष्प चढ़ाने से ये लाभ मिलेगा, ये वृक्ष के पर्ण चढ़ाने से ये लाभ मिलेगा, ऐसा बहुत कुछ शिव प्राण ग्रंथ में है। लेकिन इतना पाठ लेकर लोगों को गुमराह कभी नहीं करना चाहिए। ये द्रव्य के धारा करने से ये फल मिलेगा, ये धान्य महादेव को अर्पण करने से ये फल मिलेगा, ऐसा पूरा एक कथा है जिनको कहते हैं पुष्प पूजा, धारा पूजा, धन पूजा। लेकिन बाद में जो श्लोक कहा है ये बोलकर लोगों को समझाना चाहिए कि मैं बोल रहा हूं लेकिन ये व्यास भगवान ने कहा एवं एवं याद रखिए, दिन रात शिव की पूजा करते रहो, निरंतर महादेव को रंग रंग भांति भांति के पुष्प चढ़ाते रहो, है ना, बहुत सारे द्रव्य बहुत सारे धन धान्य शिव को अर्पण करते रहो। ये बात व्यास ने गाई है। एवं ज्ञात्वा नरः कुर्वन् यथोक्तं फलभागोऽपि, जरूर फल मिलेगा लेकिन कलयुग में कलयुगे विशेषेण फल सिद्धिस्तु कर्मणा, फल
सिद्धिस्तु करणा।